नमस्कार दोस्तों, मैं नील कुमार शर्मा और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम स्टार्टिंग से जो बेडरूम जो इसमें मैं बना रहा हूं, ठीक है, वो किस तरह से उसको बनाते हैं, कैसे उसमें जो बेसिक टेक्सचरिंग वगैरह है वो कैसे करते हैं और इसकी जो लाइटिंग है वो किस तरह से करते हैं, फाइनल रेंडर तक सेटिंग्स वगैरह जो भी होती है इसकी क्या करते हैं हम, ठीक है। आप इस वीडियो में पूरा कंप्लीटली स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसने नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब करें प्लीज। येलो येलो यहां से रेक्टेंगल लिया, टॉप में गए, ये रेक्टेंगल मैंने वैसे वर्बली बना लिया, यहां से 0 0 0 19 17 20 फिट 12 फिट। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्प्लाइन, कॉर्नर, यहां से 4 4 डिटैच, ठीक है। यहां से हमने इसको डिलीट कर दिया, हाँ डिलीट किया, और मेजरमेंट अपने को ले नहीं रहे वैसे, लेकिन प्रॉपर करेंगे तो यहाँ से वाई एक्सेस में जाकर इसको हमने कर दिया 4 फिट का दूर। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। यहाँ से आउटलाइन -9 इंच बाहर की तरफ हो गई, 9 इंच नहीं लेते हैं, इनको सबको सेलेक्ट किया, -5 इंच हमने ये ले लिया, ठीक है। कॉर्नर किया, यहां से एग्जैक्ट 5 ले लिया, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्प्लाइन, कॉर्नर, इसको बालकनी देंगे, यहां पे ये कर दिया, ठीक है। नंबर शूट किया, कलर में 8 फिट 8 फिट 6 इंच, ठीक है। ये है इसको फ्लोर जनरेटर, थर्टी सिक्स ये कर दिया, रूट प्लान, इन्नी भी नहीं है। यहां से 90 डिग्री पे हमने इसको घुमा दिया, ठीक है। ये अपने ये बन गया, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू पॉली, ठीक है। यहां से इसको सेलेक्ट किया, कॉर्नर किया, सबसे पहले तो मैंने कहा था ना पुलिस आई, देखो वो गई ना पुलिस की, वो बंदों ने कर दिया था ना, पुलिस को फोन कर दिया था उन्होंने, सही रहा जी, पुलिस को फोन कर दिया, उन्हें पंगा होता भी वो माता फोड़ देती वो उसका। गया कोई नहीं, समझा के गए, वो ऐसे मामला लेके थोड़ी जाएंगे, छोटा सा मामला, पुलिस वालों को ये काम थोड़ी रह गया है। भी हमने ये बना लिया, मैंने बेसिक ये एक ग्लास पॉली, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है यही बनाएंगे, ठीक है। कन्वर्टर पॉली वगैरह कर लिया, यहाँ से एक बार सेव करता हूँ,
ये हुआ, बैड इंपोर्ट करवाते हैं, मर्च करवा लिया, उसके बाद में कारपेट 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 तो आ गई, कर्टन्स हैं, कर्टन्स में ये वाले कर्टन्स आई लाइक दिस मार्जिन, यहाँ हमने इसको मच किया, उसके बाद में और क्या क्या चाहिए इसमें, टीवी यूनिट, कर्टन, कारपेट, बेड हो गया, बस ठीक है सब कुछ चाहिए। अब वो जो दीवार है ये वाली कन्वर्ट टू पॉली, इस दीवार पे पता है ये कारण है, यहां से हमने यहाँ लगा लिया इसको, फ्लोर जनरेटर से ये बनाया, और इसको निकाल दिया, ठीक है, यहाँ से क्रूट लाइन बढ़ा दिया, बीच में मुझे स्पेस चाहिए उस अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ से पीछे कर दिया, बस मुझे कुछ देना था ऐसा डिज़ाइन को, इसलिए हमने फ्लोर जनरेटर से दे दिया, कन्वर्टर स्प्लाइन सॉरी पॉली हो गया। ये जो दीवार है, इस दीवार को मैंने ऐसा कैसे रखा, बस इसको छोड़ो, यहाँ से प्लेन लिया, स्नैपिंग ऑन करवाई, इधर आ रहा है सॉरी, इधर आ रहा है, ओहो इसको हमने यहाँ पे लिया, वापस से कन्वर्ट टू पॉली, ये हो गया, सेलेक्ट बॉर्डर, ये हो गया डायरेक्टली वापस से कन्वर्ट टू पॉली। अब अंदर का तो अपने को ऐसा ही दिखेगा, बाहर से अपने को मतलब नहीं, ठीक है, ये हो गया, यहाँ वीर एनेबल किया, यहाँ से वीर एनेबल करने के बाद मटेरियल वीरे मटेरियल सॉरी वीरे मटेरियल एंड शू मैप इसका हम कलर चेंज करेंगे, बिकॉज अपनी थीम जो है वाइट एंड वो है, इसलिए चलो तब तक दूसरी चीज़ें कर लेते हैं। ये हो गया, ये होने के बाद इसका UVW मैप भी सेट कर लेते हैं,
ठीक है, ये भी नहीं करते ना, एक काम है जो कि अपने को करना है, इसमें इसको कॉपी किया, यहाँ पे बम्प मैप है, इसका नॉर्मल है, बम्प मैप नॉर्मल ऐसा आता है इसमें, ये सारी चीज़ें बम्प कर देगा, ठीक है। और इसका जो टेक्सचर है वो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल की जगह हम ग्रे कलर भी ले सकते हैं कुछ ऐसा। हाँ ठीक है, इन वॉल्स को हमने क्या कर दिया, वाइट, यहाँ पे इनको हमने वाइट कर दिया, इसमें हमने ले लिया वीरे कलर, ठीक है। फ्लोर है, फ्लोर को भी ग्रे मटेरियल देंगे, उसके लिए अपने पास मल्टी टेक्सचर, ओपन रेड बिन मैप, डार्क फूड, ग्रे डार्क, ठीक है, ये आ गई। यहाँ से इस मैप रिफ्लेक्शन थ्री नहीं करते, 1.8 में कर रहा हूँ अभी, देख रहा हूँ अभी 15, ठीक है 30, ठीक है। इसको हमने 7.6 ये कर दिया, ठीक है चाहिए, ये है, इसको असाइन करवाया, इसको बना देंगे हम क्लास, नेमिंग सबकी करेंगे, ठीक है। ये किया था, यहाँ से ब्लैक किया, इसको इतना रिफ्लेक्ट कर दिया और इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद बेड को, इसके टेक्सचर्स वगैरह नहीं आ रहे, रिलिंग बेड मैप एंड प्रो मॉडल, यहाँ से कर दिया, ठीक है। ये सब कुछ आ गया, इनके टेक्सचर वगैरह सब कुछ आ गए, यहाँ से हमने इसको यहाँ सेट किया,
ये कर दिया और छोटा करना पड़ेगा क्योंकि फॉल्स सीलिंग भी आएगी इसमें साइड साइड की, साइड की भी नहीं आएगी तो जितनी आएगी उतना तो देना पड़ेगा। तो ये हमने वर्टिकल स्प्लाइन कॉर्नर ये किया, मतलब यहाँ पे कर्टन्स है ना इसलिए। ये यहाँ से इसका टेक्सचर कैसा दें? इसका ना ब्राउनिश ही रखते हैं यार, ब्राउन ब्राउन सा रखते हैं। नहीं काम करता है ना ये, तो ये ले लिया टेक्सचर स्टोन स्टोन के यहाँ से हमने लिया ना ये रहा। अच्छा लगेगा, शानदार लगेगा। अब ये होने के बाद ये जो डोर का एरिया है ना, डोर का एरिया में डोर लगाना पड़ेगा। तो हमने ठीक है, अनहाइड ऑल सेव गोइंग टॉप एंड साइन कैमरा। ये
ये करने के बाद चलो टीवी यूनिट एक बार लगा देंगे बाद में। इसमें हम लाइटिंग करते हैं वीरे सन, मैं ये रखूंगा, और इंटीरियर की है सेटिंग रेंडर, ये रेंडर है ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट कैमरा, आउटपुट ही नहीं आ रहा ठीक है, ये सारी चीज़ हमने की, अभी आउटपुट का थोड़ा प्रॉब्लम है। वो क्या करते हैं यहाँ से एस्केप इसको, ओ ओ ओ जैसे क्या करना है, ये सब कुछ तो हो गया। यहाँ पे अपने को लगानी है पोर्टल लाइट, बड़ी विंडो के हिसाब से हमने ये लगाया, मिरर करवाया ठीक है, ये करवा कर रेंडर, स्टेप बॉर्डर सिंपल, बस कुछ नहीं करना होता है, इसको सिर्फ और लगा के छोड़ देना रहता है। अब ये प्रॉब्लम एक्चुअली में इसलिए आ रही है बिकॉज दिस मॉडल इन कोरोना, उसको कन्वर्ट कर दिया टेक्सचर में। अब जैसे ये टेक्सचर वगैरह आ रहे हैं थोड़ा सा गड़बड़ से आ रहे हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो रहा है, तो वीरे कलर मैपिंग एक्सपोनेंशियल रेंडर, ये सारा अब कुछ नहीं आ रहा ठीक है। अब जैसे ये तो हो गया, यहाँ से हमने सही किया इसको, और यहाँ से वीरे प्लेन बैकग्राउंड भी लगाना है ना अपने को, तो बैकग्राउंड हमने लगा दिया, और यहाँ से हमने इसको यहाँ पे प्लेस किया। मटेरियल सेम प्रोसेस जो कि हमने बाथरूम में यूज़ किया था, यहाँ से वीरे लाइट मटेरियल, वीरे लाइट लाइब्रेरी मटेरियल 2019 बैकग्राउंड, इसको बैंड कर देंगे तो एग्जैक्ट ठीक है ये आ गया। अब सबसे पहले तो यहाँ से भी थोड़ा सा ये आ तो रहा है, बट इसमें भी रिफ्लेक्शन होगा थोड़ा सा ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको उठा के रिफ्लेक्शन के यहाँ पे कॉपी किया, और जो टेक्सचर के हैं शुहेवन रॉक डिस्प्लेसमेंट एम्बिएंट ऑक्युलेशन रफनेस स्पेक्युलर बिनोकुलेशन ये कर देते हैं, बम्प वाला दे देते हैं, थोड़ा कम आएगा, बहुत ज्यादा ले रहा है वो। इसको यहाँ ग्लॉसिनेस को कॉपी किया, ग्लॉसिनेस ही कम किया, ये किया एकदम शानदार आएगा ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद में कलर बैलेंस और ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, यहाँ से एक्सपोजर
एक्सपोजर बढ़ाया, कंट्रास्ट बढ़ाया, और यहाँ से ये कर दिया वाइट बैलेंस। ठीक है, एक्सपोजर बढ़ रहा है तो यहाँ से हाईलाइट को और वो कर लेंगे, यहाँ से हो रहा है ना, बर्न हो रहा है और ज़्यादा ही हो रहा है, तो फिर हम देख लेंगे एक बार उसको कहाँ से, तो थोड़ा सा यहाँ से डार्कनेस ये किया, ठीक है, स्टॉप किया। और अगर ज़्यादा बढ़ रहा है ना यहाँ से जो आ रहा है, उसको हम यहाँ से ब्राइटनेस 0.8 कर देंगे, एक्सपर्ट मोड पर, हिडन लाइट्स सेटिंग्स की क्लब वाले लिनिश, ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। एंड यहाँ से ही हटाया, बाकी ये तो बाद में कर ही लेंगे सेटिंग्स वगैरह, यहाँ से ये एंड वे टेक्सचर्स वगैरह सेट करने पड़ेंगे, जब कुछ ज़्यादा ही ब्राइटनेस वगैरह दे रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, वैसे अच्छे आ रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा अच्छे आ रहे हैं ना। अभी जब इस पर ऊपर लाइट आएगी ना, यहाँ से लाइट आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा, ये ठीक है, उधर से भी ठीक आ रहा है, ये यहाँ पे शेडोज सन की जो इफेक्ट आ रहा है रियली नाइस। यहाँ से जो सीलिंग है, यहाँ पे किया सीलिंग को, ठीक है, और वीरे लाइट और यहाँ से ये लाइट लगाई, देखना पड़ेगा कहाँ तक गुड लेवल है, ठीक है, ये सीलिंग है, ये यहाँ पे आई गई, हमने लाइट कुछ ऊंची ले ली, थोड़ी ऊपर ले ली, और अब एक काम करते हैं, कोई बीच में अड़ाव नहीं है इसके, होता तो पता लग जाता, इसको हमने बढ़ा दिया, बताता हूँ मैं एक बार वापस से, ये कहाँ से कौन सा किसकी मैं बात कर रहा हूँ, हमने फ्रंट से देखा, देखो ये लाइट यहाँ से कहीं से नहीं भिड़ रही ना, अगर ये भिड़ती तो ये ऐसे अंदर आ जाती, तो कहीं से नहीं हो रही, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो यहाँ तक ले लिया, ये हुआ इसको हमने कूल 150 अब है तर लक्षण अच्छा रहा है। अब जैसे यहाँ पे है, देखो नीचे भी तक फोकस आ रहा है, कोई बात नहीं, हम जो ये लाइट्स है ना ये भी जनरेट करेंगे इसके अंदर, तो सेलेक्ट दिस, जैसे ये है, ये दोनों लाइट है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस बल्ब के अंदर है ना, यहाँ से स्पेयर लाइट ली, बना दी, और यहीं तक कर दी बस, काफ़ी बड़ी है तो हमने यहीं पे लगा दी, कोई क्योंकि कोई चीज़ दिख नहीं रही है, और ये तो अंदर ऐसे पास हो रहा है इसको, तो अपने को पास नहीं करवानी, बस इतनी सी लगा दी, और यहाँ से 20 4000 3500 और अफेक्टेड रिफ्लेक्शन इनविजिबल कर देंगे, इनविजिबल हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, ये मत करो। दूसरी लाइट जो है यहाँ पे हमने वीरे डिस्क लाइट
ठीक है, ये हम क्या करेंगे, इस लाइट को यहीं पे लगाया, ठीक है, एंड वही रेडिएंट पावर वॉट 30 10 10, के बाद टेम्परेचर 4500, यहां से मैं इसको ऑलवेज, ठीक है, टारगेट कम कर दूंगा, और यहां से और इसको बढ़ा दिया लगभग इतना। देखो उसका वाला भी आ रहा है, वो आ रहा नहीं इधर से, देखो भाई जो ऑफ हो गया, ऑन हो गया, दिख रहा नहीं आपसे, बाकी कहाँ कहाँ लाइट देनी है कहाँ नहीं देनी है वो आपके हिसाब से रहता है, ठीक है। कारपेट है, कारपेट ऑलरेडी ये ग्रे है इसलिए हम इसको ये देंगे नहीं, बाकी जो कारपेट है ये काफ़ी बड़ी है, ओपन कारपेट F32, ठीक है ना। अब जैसे ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है अपना फ्लोर, तो 30 इससे क्या होता है, देखो रिफ्लेक्शन दे रही कितना हो रहा है, मैंने इसको एक कर दिया, देखो 1.5, इसको जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा, 45 मैंने किया तो कम होगा, और इसको जितना कम करेंगे उतना कम होगा, 100 में पूरा होगा, 45 ये रख रहा है, ठीक है, हमने किया, देखो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, मैंने स्किप किया, यहाँ से सेव किया और साइज 2400x1600, यहाँ से 4, सब कुछ सही है, एम्बिएंट ऑक्लूजन नहीं छोड़ो, डिटेल्स ठीक है, ऐड एलिमेंट्स, डिनॉइजर, AI, एड एक्सरसाइज टेक्स्ट, पीरियड कट, इसको यहाँ पे एसेंस कॉपी, और इसको कर देंगे सिर्फ एक करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम दो किया था तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, इतना नहीं करना, बाकी GI लाइटिंग और शैडो फ्लक्शन रेंडर आईडी बस ये लेंगे, बाकी कोई काम के भी नहीं है, काम के हैं बहुत सारे हैं वैसे तो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, पीरियड लाइट भी आती है, एक रेंडर में आप नाइट का सारे रेंडर अलग अलग निकाल सकते हो, एक ही रेंडर निकलेगा,